सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, वर्ल्ड कप 23 की स्पेशल ट्रांसमिशन खेल का जुनून के साथ मैं हूं महावेश निसार और मेरे साथ हैं आमना खटाना। आमना, वैसे आज जो दो मैचेस हुए हैं उसमें जो टॉक ऑफ द टाउन मैच हुआ है, कमाल हो गया है कि आज साउथ अफ्रीका ने 400 प्लस का स्कोर कर दिया और उनके तीन बैटर्स ने आज सेंचुरीज स्कोर की हैं। और अगर आमना, वैसे खुदा ना खास्ता, अगर ये एक प्रैक्टिस बन गया तो बाकी टीमें जो चेस करना होगा जिन्हें, वो क्या करेंगे? बहुत मुश्किल हो जाएगा। और सबसे पहली बात तो ये है कि आज जो उन्होंने तारीख रकम की है, इससे पहले जो ऑस्ट्रेलिया ने हाईएस्ट वर्ल्ड कप में जो स्कोर दिया हुआ है वो 417 है अगेंस्ट अफगानिस्तान। लेकिन ये कोई छोटी टीम नहीं थी, ये टीम थी जनाब श्रीलंका की और उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से चेस करने की कोशिश ज़रूर की। एटलीस्ट उन्होंने 300 प्लस स्कोर किया और अगर कोई भी टीम होती यहाँ पर तो ऑब्वियसली जो इतना बड़ा रन्स का पहाड़ था उससे एक प्रेशर जो है वो क्रिएट हो जाता है और उसको चेस करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन जैसा भी था, श्रीलंका ने अच्छा खेलने की कोशिश की। हमारे जो तजियाकार होंगे उनसे वो हम राय लेने की कोशिश करेंगे क्योंकि वो इस पे अच्छे तरीके से राय दे सकते हैं। और जनाब एक और चीज, दूसरा जो मैच है, पहला मैच बेसिकली जो था वो बांग्लादेश और अफगानिस्तान का था, लेकिन चूंकि माविश ने स्टार्ट ऐसे लिया कि टॉक ऑफ द टाउन जो था वो ये हमारा जो चौथा मैच हुआ, इसलिए तो जनाब हमने जो अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जो मैच है वो भी आज देखा। उसमें बांग्लादेश ने 6 विकेटों से अफगानिस्तान को हरा दिया। तो एक जानब बांग्लादेश जो है वो बाजी ले गया, दूसरी जानब जनूबी अफ्रीका ने किस तरह से आज के मैच को सेलिब्रेट किया, कैसे यादगार मैच बना दिया, इस पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। एक टीम की जानब से वेंडरसन, उसके बाद डी कुक और उसके बाद मार्करम, तीन प्लेयर्स ने तीन सेंचुरियां करके आज साउथ अफ्रीका के लिए दिन बना दिया। इसी हवाले से क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ साजिद खान साहब और अहमद कुरैशी साहब मौजूद हैं, उनसे आगाज़ करते हैं। सबसे पहले तो आपको वेलकम कहेंगे आज के दिन, और आज बड़ा मसरूफ़ दिन रहा साजिद खान साहब, दो मैचेस थे और जिस तरह से हमने देखा कि बांग्लादेश ने पहले मैच में अफगानिस्तान को हराया और आसानी 6 विकेटों से शिकस्त दी। उसके बाद जो मैच जनूबी अफ्रीका और श्रीलंका का हुआ उसमें बैटिंग देखने का मजा आ गया जनूबी अफ्रीका की, तो आज के दोनों मैचेस को किस तरह से देख रहे हैं आप? बहुत शुक्रिया आमना और चहरी, यकीनी तौर पर बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट देखने को मिली और जिस क्रिकेट की हम तवक्को रख रहे थे, 13 एडिशन हुआ या 13वीं दफ़ा ये आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 जिस तरह हम बात कर रहे थे मॉडर्न दौर पे खेला जाएगा, उसका प्रूफ यकीनी तौर पर देखने को मिला। जितनी भी अगर तारीफ की जाए कम है, अगर साउथ अफ्रीका की बात की जाए, अगर बहुत ही आउटस्टैंडिंग किसी भी मैच में तीन बैट्समैन अगर सेंचुरी बना दे और तारीख यही बताती है, तारीख की हिस्ट्री ये बताती है, वो भी ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट खेली है उन्होंने, बॉल बैट के दरमियान जिनके जो दरवाजा खेला है उन्होंने, उनकी जितनी भी तारीफ की जाए कम है। मगर ये चीज भी बताना जरूरी है, हम इसी तरह की तवक्को रख रहे थे बॉल बैट के दरमियान खेलने की और उन्होंने प्रूव किया। साउथ अफ्रीका में हम श्रीलंका को अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते, 96 का वर्ल्ड कप जीते हुए हैं, तो यहाँ पर श्रीलंका को भी क्रेडिट देना पड़ेगा। बहुत ही मुश्किल के दौर से निकल के जो एशिया कप उनकी कारकर्दगी थी, जिस तरह में अंडरस्टिमेट हुए मगर उन्होंने आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली। मगर ये सबसे पहला मैच अगर देखा जाए आमना और शरीर, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के दरमियान जो मैच खेला गया, जिस तरह अफगानिस्तान जिस तरह शोर कर रहे थे और पाकिस्तान के नहीं इंडिया के साबिक कप्तान उनको बहुत ज्यादा हाईरेट कर रहे थे, मगर बांग्लादेश अगर मेहदी का जिक्र ना करूं तो बहुत बड़ी ज्यादती होगी। उन्होंने बहुत ही आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है और ये चीज वाज तौर पर नजर आता है, बॉल बैट के दरमियान एक अच्छी कप्तानी नजर आई। और बांग्लादेश ने जिस तरह बोला हम आपको बॉलिंग में, तो हमारी बॉलिंग अच्छी है मगर बैटिंग में नुमाया रोल प्ले करेंगे। और उनके बैटिंग ऑलराउंडर की बात की जाए, मेहदी ने जिस तरह बैटिंग की है ना और जिस तरह बॉलिंग की है, तो ये वाजे फर्क नजर आ रही है। पाकिस्तान टीम के लिए खतरे की घंटी बज गई है। अगला बिल्कुल घंटी बज गई है, जिस तरह आपने पिछले प्रोग्राम में बात की थी, पाकिस्तान क्रिकेट टीम शो हो गई है, प्लानिंग मैनेजमेंट तो तमाम चीजें पाकिस्तान को जो अगला मैच श्रीलंका से खेलना और श्रीलंका की बेहतरीन प्रैक्टिस मिल गई है, जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग टीम के खिलाफ उन्होंने बहुत अच्छी कारकर्दगी दिखाई है। तो ये चीज पाकिस्तान क्रिकेट टीम को, मैनेजमेंट को
जिस तरह आमना और शहरी हमने बात की थी सऊ शकील के हवाले से, उसने बहुत अहम रोल प्ले किया है। अगर हम इसका जिक्र ना करें इस प्रोग्राम के तवज्जो से बहुत बड़ी ज्यादती है, तो अपने नाज़रीन को ये जरूर बताते चले, देखें सऊ शकील जिस बैट से खेल रहे थे ना उस पर कोई लोगो नहीं लगा रहा, इससे आप अंदाजा लगा रहे हैं उस बच्चे नौजवान टैलेंटेड खिलाड़ी के कितनी हाइट बड़ी हुई थी। और जितने भी खिलाड़ी खेल रहे हैं वो बहुत ही बड़े अगर बैट के स्टिकर के साथ खेल रहे हैं, तो ये चीज भी बताना जरूरी है। उसका ये नहीं पता था खेलेगा नहीं खेलेगा, ये और क्रिकेट में इंजाम अलग को दूंगा। जो पाकिस्तान के चीफ सेलेक्टर हैं बैठोर हैं वो पहुंचे, उन्होंने कॉन्फिडेंस दिया, मगर बाबर की माइंडसेट मेरी अब तक समझ में नहीं आ रही। बाबर एशिया कप से लेकर 4 साल हो गए, उनकी जो माइंडसेट में जो एक चीज सेट कर लेते ना उसी माइंडसेट से वो जा रहे हैं, मगर ये चीज क्रिकेट के लिए टीम के लिए गलत है। मगर हारिस की बात करूं, हसन की बात करूं, शदाब की बात करूं, सही बात करें आप, बिल्कुल पाकिस्तानी टीम में बहुत सी चीजें हैं जिनको अभी मद्देनजर रख के फिर अगले मैचेस खेलने होंगे, लेकिन आज हम बात करना चाह रहे हैं आज के जो मैचेस हुए हैं खासतौर पे। अहमद कुरैशी साहब, सबसे पहले तो अगर हम दूसरे मैच की बात कर लेते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली वो ज्यादा हाईलाइट रहा आज, ज्यादा हमें उसमें गेम नजर आई जो तगड़ी गेम थी साउथ अफ्रीका और फिर श्रीलंका की टीम, और जिस तरह से श्रीलंका ने चेस किया आप उसकी तारीफ करेंगे या फिर आप ये कहेंगे कि उनकी जो बॉलिंग साइड थी वो नाकाम रही जिसकी वजह से साउथ अफ्रीका को फायदा हुआ और 3 सेंचुरीज हो गए। एक और चीज है, 3 सेंचुरीज भी हुई आमना। हाँ। और ये पहली बार नहीं हुआ कि साउथ अफ्रीका ने इतना बड़ा स्कोर बनाया है, ये तीसरी चौथी बार रिपीट हुई चीज। और अहमद दूसरी बात जो आपसे मैं जानना चाहूंगी कि अगर आप 90s में बैक टू 90s अगर आप जाएं, श्रीलंका की वो क्रिकेट टीम जिसमें अर्जुना राना टुंगा होते थे, अरविंदा डिसिल्वा एक उनके मेन प्लेयर थे, तब भी श्रीलंकन टीम ने ये ट्रेंड सेट किया था कि 300+350 तक वनडे में स्कोर किया है श्रीलंकन टीम ने, और बेहतरीन टीम रही है श्रीलंका की। लेकिन आज का मुकाबला बड़ा दिलचस्प भी था, और जैसा कि आमना कह रही है कि बांग्लादेश और अगर हम अफगानिस्तान के मुकाबले की बात करें तो अफगानिस्तान की टीम भी आमना एक अच्छी मंझी हुई टीम के तौर पर अपकमिंग टीम के तौर पे सामने आ रही है, और दोनों मैचेस अहमद आज बड़े इंटरेस्टिंग रहे हैं। और जैसे कि साजिद खान साहब भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान के लिए थोड़ी ये खतरे की घंटी हो सकती है। देखें आप लोग कह रहे हैं खतरे की घंटी, मुझे तो घंटा बजता हुआ नजर आया है जिस तरीके से श्रीलंका ने खासतौर पे बैटिंग की है। मेरे ख्याल में बॉलिंग इस तरह की विकेट्स पे 350 रन तक जाता है मैच, लेकिन श्रीलंका ने 50-70 रन एक्स्ट्रा दे दिए अपनी जो नाकिस बॉलिंग है उसकी वजह से। अगर श्रीलंका ने बॉलिंग के दौरान रन की जो लीकेज है उस पर कंट्रोल किया होता तो मेरे ख्याल में मैच के रिजल्ट शायद थोड़े से डिफरेंट होते। जो मेन चीज है ना जिसको हमें अप्रिशिएट करना चाहिए और जिसकी वजह से डरना भी चाहिए, क्योंकि हमारा अगला मैच श्रीलंका के साथ, श्रीलंका के साथ हमारा अगला मैच है। अहमद साथ ही रहिएगा, साबिक क्रिकेटर सलाउद्दीन साहब ने हमें ज्वाइन, उनके व्यूज ले लेते हैं। बहुत शुक्रिया सलाउद्दीन साहब आपके वक्त का। क्या कहिएगा, आज 2 मैचेस खेले गए हैं वर्ल्ड कप 2023 के हवाले से और दोनों मुकाबले बहुत दिलचस्प रहे, लेकिन साउथ अफ्रीका ने जिस तरह से आज 428 रन बनाए और उनके 3 बैटर्स ने सेंचुरी स्कोर की, तो आपको लगता है कि अब ये ट्रेंड सेट हो सकता है वर्ल्ड कप 2023 में और हमें दोबारा भी ये फिगर देखने में आ सकती है? ये आप सही फरमा रही हैं, मुझे ये 428 रन बहुत बड़ा हदफ होता है, जिसे कहना चाहिए बहुत बड़ा स्कोर है। लेकिन मैं समझता हूँ हमें क्रेडिट श्रीलंकन को भी देना चाहिए जिन्होंने 400 पे 326 रन किए, ये बड़ी बात है। अब हमारा नेक्स्ट मैच श्रीलंका ही से, तो अब देखें कि एक इनिंग में 750 रन हो रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि इंडियंस ने परफेक्ट बैटिंग ट्रैक्स बनाए, बॉलर्स के लिए उसमें कुछ नहीं है। अच्छा। ना ऑफ द विकेट गेंद मूव कर रहा है ना कहीं कर रहा है। साजिद खान ने बड़े अच्छे कमेंट दिए, ये अहमद कुरैशी साहब ने बड़ी सही बात की कि देखें आपकी जो है उसको लाइटली ना लें श्रीलंका को हम। और मैं एक बात और कहता चलूं कि जो पहला मैच हमने खेला नेदरलैंड से उससे हमें 300+ करने चाहिए थे जिस किस्म की वो टीम है, लेकिन हमने 300 के ऊपर नहीं किए। हम आजकल तो जैसा आपने फरमाया कि 300 जो सेट किया था श्रीलंका ने जिस जमाने में राणा टुंगा और सनत जयसूर्या खेला करते थे इनके लिए, वो इतना तेज खेलते थे कि 300+ आम कर लेते थे, ऐसा नहीं होता था कि तो सर ये जो इन पिचेस को अगर देखा जाए यहाँ पर जो पहले बैटिंग कर रहे हैं आप समझते हैं कि उनको फायदा हो रहा है और जो बाद में चेस कर रहे हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किलात पैदा हो रही हैं इन पिचेस को अगर आप उनकी अंडरस्टैंडिंग के आपके इस हवाले से? नहीं, इसमें दो चीजें होती है क्रिकेट में जो आपके हाथ में नहीं होती, एक वेदर और एक टॉस।
टॉस अहम रोल इसलिए प्ले करता है, अगर आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ अच्छी है तो जाहिर है आप टॉस जीत के पहले बैटिंग करेंगे और इतना हदफ दे देंगे कि मध्य मुकाबिल को फिर आप कंटेन करें उसको अपने बॉलर से तो मुश्किल पड़ जाती लेकिन है। लेकिन आज के मैच में तो श्रीलंका ने टॉस जीता ना और उन्होंने फील्डिंग करने की उन्होंने ये चूज किया, उन्होंने ऐसा किया लेकिन बहरहाल जैसा आप फरमा रहे होना चाहिए था टॉस जीत के पहले बैटिंग करो और फिर उसको कंटेन कर दो। इसी में आपकी जाहिर है दो ही चीजें होती हैं, या आप हदफ को चेस करें या हदफ दे दें उनको कि वो उसको पूरा करें, यही दो चीजें होती हैं क्रिकेट में। लेकिन टॉस बाज़ बड़ा अहम रोल प्ले करता है जो आपके हाथ में नहीं होता। तो आज के मैच के हवाले से आप क्या समझते हैं कि इसमें क्रेडिट हम साउथ अफ्रीकन बल्लेबाजों को ज्यादा दें या फिर श्रीलंका के बॉलर्स को दें जिनकी वजह से ये रन बनाने में वो कामयाब हुए और उनकी बॉलिंग इतनी नाकिस थी आज? देखिए एक बात बताऊं, उन्होंने जैसी भी बॉलिंग थी इनकी लेकिन 400 रन किसी भी टीम के अगेंस्ट करना कोई आसान काम नहीं होता, कैसी भी बॉलिंग हो 400 रन करना। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन जो किए थे 417 उसको उन्होंने पूरा कर दिया, आज रिकॉर्ड तोड़ दिए, तो इसमें अभी से रिकॉर्ड बनना शुरू हो गए। फिर 3 बैट्समैन ने आप देखें सेंचुरीज की हैं, बहुत कम होता है एक इनिंग में 100 होता है या बड़ी मुश्किल से दूसरा 100 करता है। वनडे में 428 एक बहुत बड़ा स्कोर है, टेस्ट मैचेस वाला स्कोर है सलाउद्दीन साहब ये तो। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, ये टेस्ट मैच वाला स्कोर है और इन्होंने बहुत कमाल किया। लेकिन उसमें क्रेडिट में श्रीलंका को दूंगा कि उन्होंने जब चेस कर रहे थे 326 रन बना लिए, 326 भी एक बड़ा स्कोर है। बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन बहरहाल 428 रन करना कोई आसान अच्छा, काम नहीं था। अच्छा सलाउद्दीन साहब एक और चीज आपसे जानना चाहेंगे कि आज जिस तरह से श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच देखा गया है और जैसे आप कह रहे हैं कि ये बैटिंग पिचेस हैं बॉलर्स के लिए इसमें कुछ नहीं है, तो आज के मैच से बाकी टीमों को ये टिप मिलती है कि बैटिंग अगर आप टॉस जीते हैं तो फिर चूज फर्स्ट टू बैट? जी हाँ, यही होता है आमतौर से, मेरे ख्याल में होगा भी यही जो आप फरमा रही है कि टॉस जीत के पहले बैटिंग कर लो और फिर दूसरी टीम को आप उसमें ले आए, मतलब कंटेन करके उसको अंडर प्रेशर ले आए कि वो ताकि आपका हदफ जो आपने दिया है उसको पूरा ना कर पाए। तो ये देखिए हमारे लिए लम्हा फिक्रिया है कि हमारा नेक्स्ट मैच श्रीलंका से। ठीक है सलाउद्दीन साहब, साथ ही रहिए क्योंकि आज जो दूसरा मैच था बांग्लादेश और अफ्रीका जो बेसिकली पहले खेला गया था तीसरा मैच था वर्ल्ड कप का, उसमें क्या हुआ आज की मैच की झलकियां आपको पहले दिखाते हैं। तो जनाब अफगानिस्तान और बांग्लादेश का जो तीसरा मैच था इसमें 156 स्कोर किया अफगानिस्तान ने और बड़ा छोटा स्कोर था और बहुत आसानी से चेस कर लिया हमने देखा बांग्लादेश ने और साथ ही साथ 6 विकेटों से उनको शिकस्त दी। इसी हवाले से हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अहमद आपकी तरफ आऊँगी, अहमद जो बांग्लादेश और अफगानिस्तान का मैच हुआ आज का, अफगानिस्तान हमारे खिलाफ तो बड़े जी जान से हम देखते हैं कि खेलता है, बड़ा टफ टाइम दिया था लास्ट वाला इवेंट मुझे याद है, पिछले साल की अगर बात की जाए तो बड़ी मुश्किल से हमने वो मैच जीता था। ये बांग्लादेश के साथ खेलते हुए अफगानिस्तान को क्या हुआ, वो जज्बा नजर नहीं आया? अच्छा दोनों तरह से सामना क्या हुआ, एक तो उन्होंने मैच हारा और उस पर कोई रिएक्शन भी नहीं दिया अहमद, जिस तरह पाकिस्तानी क्राउड और पाकिस्तानी प्लेयर के साथ अफगानिस्तान की टीम उनके क्राउड का रवैया रहता है, आज ये दोनों चीजें देखने में नहीं आई, बड़ी आज स्पोर्ट्समैन स्पिरिट का मुजाहरा किया अफगानिस्तान ने। नहीं असल में ना हमारे सारे पड़ोसियों की सारी दुश्मनियाँ और जो बूझ है वो हमारे लिए ही है, इंडिया के खिलाफ भी वो कभी भी इस तरीके से रिएक्ट नहीं करते जिस तरह वो पाकिस्तान के खिलाफ करते हैं। और लो स्कोरिंग मैच था ठीक है, लेकिन हमें पता है कि तजर्बे की कमी है अफगानिस्तान क्रिकेट टीम के पास इंटरनेशनल इस तरह के बड़े इवेंट्स की। बांग्लादेश तो पुरानी टीम है, बांग्लादेश भी कोई मतलब टॉप टीम्स में उसको किया जाता, लेकिन बांग्लादेश को पता है कि क्रंच मूवमेंट में किस तरह से परफॉर्म करना है, खासतौर पे जो उनके स्पिनर्स हैं या उनके जो जिस तरह ऑलराउंडर्स हैं जैसे शाकिब अल हसन है, तो इनका बहुत एक लंबा चौड़ा एक्सपीरियंस है और आई थिंक इस तरह के इवेंट्स में वो एक्सपीरियंस आपका काम आता है। T20 की डायनामिक्स थोड़ी डिफरेंट हैं, ये ODI का वर्ल्ड कप है, ODI की डायनामिक्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं। T20 में तो अफगानिस्तान जैसी टीम जो है ना वो टुल्लेबाजी करके सर्वाइव कर सकती है, लेकिन वनडे में स्ट्रगल करनी पड़ जाती है जहाँ पे रोटेशन ऑफ स्ट्राइक होती है, आपने 50 ओवर पूरे खेलने होते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की टीम्स स्ट्रगल करती हैं। दोनों मैच बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे, श्रीलंका के हवाले से मैं बात कर रहा था कि जो श्रीलंका की परफॉर्मेंस है ना वो हमारे लिए अलार्मिंग है, क्योंकि एक तो श्रीलंका ने रिसेंट पास में हमें हराया है, लास्ट ईयर एशिया कप का फाइनल, इस साल भी नॉकआउट स्टेज में श्रीलंका से हम हार के बाहर हो गए थे जी,
और उसके बाद देखिए सबसे मेन जो चीज है कि श्रीलंका ने एक इंटेंट दिखाया है। अगर श्रीलंका ये मैच हार भी गया है उसके बावजूद सब लोग श्रीलंका की तारीफ कर रहे हैं क्योंकि श्रीलंका ने बुजदिली नहीं की। इसके बरक्स जब हमारी टीम खेल रही होती है तो हमारी टीम जो है वो पहले तो एक दो ओवर बैट्समैन सेटल होने का की कोशिश करते हैं, चाहे रन जितने ज़्यादा हों बोर्ड पे, और उस सेटल होने के चक्कर में, पिच रीड करने के चक्कर में जो आपका रन रेट है वो नीचे आ जाता है। फिर जब प्रेशर अहमद मैं बहुत ब्लंटली ये बात कहूँगी लेकिन ये कहना बनती है क्योंकि जो हमने एक्सपीरियंस किया है अब तक अपनी पाकिस्तानी टीम के साथ वो ये कि जब भी कोई ऐसा बड़ा पहाड़ जैसा स्कोर खड़ा कर दे मुखालिफ टीम तो हमारी टीम पहले ही नर्वस होके और हम जो मोरल डाउन हो जाते हैं उनका, जो उनकी गेम होती है उससे भी बुरा खेलती हुई दिखाई देती है। और पहले ही मतलब हम देखते हैं कि अगर यहाँ पर पाकिस्तानी टीम होती तो वो शायद 328 या 326 वाला स्कोर ना कर पाती। देखें वार्म अप में, वार्म अप मैचेस अगर आप उठा के देखें उनमें तो मेन बॉलर्स भी, चाहे वो न्यूजीलैंड की टीम हो या ऑस्ट्रेलिया की, उनके मेन बॉलर्स ने बॉलिंग इतनी नहीं कराई। हमने उनके पार्ट टाइमर्स के अगेंस्ट भी इस तरह खेला जिस तरह पता नहीं कोई कितने बड़े रस्तू दूसरी तरफ से बॉलिंग कर रहे हैं, हम वहां पे भी डरते हुए नजर आए हैं। देखिए इसमें जो मेन चीज़ होती है ना, आपके कप्तान का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कप्तान अगर फ्रंट से लीड करेगा, कप्तान अगर बहादुर होगा तो वो फिर टीम अगर गिरी हुई भी है तो उसको उठा देगा। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि आपके कैप्टन के ऊपर, एक तो मुझे नहीं पता उसने खुद अपने ऊपर किस बात का प्रेशर लिया हुआ है, और वो मुसलसल क्योंकि जो उसकी कप्तानी के फेलियर्स हैं और जो लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और जो फियर ऑफ फेलियर है वो अब उसकी बैटिंग में भी नजर आता है। और जब कप्तान की का ही मोराल डाउन होगा और जब कप्तान ही इतना ज्यादा हेजिटेट होगा बड़े फैसले लेने में, तो फिर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि नीचे के जो प्लेयर्स हैं आपके उनका क्या हाल होगा। तो मेरे ख्याल में अब जो क्रिकेट हो गई है, हमें चाहे वो टेस्ट क्रिकेट हो, वनडे हो, टी20 हो, उसके डायनामिक्स बदल गए हैं। जो टीमें एग्रेसिव अप्रोच के साथ फियर ऑफ फेलियर को साइड पे रख के कि हम हार जाएंगे तो क्या होगा, एग्रेसिव अप्रोच के साथ अटैकिंग और पॉजिटिव क्रिकेट खेलती हैं वही टीमें कामयाब होती हैं। हमने अभी भी देखा है कि जिस तरह श्रीलंका की हम एग्जांपल मैं आपको दे रहा था कि श्रीलंका ने नहीं देखा कि बहुत बड़ा टोटल है, चेजेबल है या नहीं है, उन्होंने फाइट किया है, उन्होंने फाइट किया है, शोल्डर डाउन नहीं किए उनके बैट्समैन, उन्होंने एक चांस लिया, उन्होंने कहा कि ट्राई करते हैं और इतना क्लोज गए हैं ये कोई छोटी बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है, साजिद खान साहब से व्यूज लेते हैं। अहमद आप साथ ही रहिएगा, साजिद साहब भी साथ में हैं, उनसे भी व्यूज लेते हैं। साजिद साहब जैसे कि अहमद कह रहे हैं कि श्रीलंका ने फाइट की है और जैसे कि आमना कह रही है कि अगर हमारी टीम होती आमना तो उनके पहले हाथ पांव फूल जाते या मोरल डाउन हो जाता कि भाई इतना पहाड़ जैसा स्कोर। आप समझते हैं कि नीदरलैंड्स के साथ हम अगर अपने मैच की जो हमारी परफॉर्मेंस थी तो पाकिस्तानी टीम ने कोई बहुत बड़ा स्कोर नहीं किया, पाकिस्तानी टीम के पास ये मौका था कि वो 400 प्लस 300 प्लस तक जा सकते थे लेकिन नहीं गए। आप समझते हैं कि अभी भी प्लानिंग में कोई कमी है, स्ट्रेटेजी में कोई कमी है, या वाकई जैसे कि अहमद कह रहे हैं कि हम एग्रेशन के साथ ग्राउंड में नहीं उतर रहे हैं या बोल्ड फैसले नहीं ले पा रहे? आमना शहरी सराजियों सल्लू साहब लाइन पर हैं। जी जी सर को पहले बहुत बहुत सलाम, चीफ सेलेक्टर है, हमारे उस्ताद हैं, पाकिस्तान के साबिक टेस्ट क्रिकेटर हैं सलाउद्दीन सल्लू, और पाकिस्तान की वो हमारे दरमियान प्रोग्राम में मौजूद हैं। पहले तो सर को बहुत बहुत सलाम और बहुत कुछ किस्मत ही हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं। इनकी बड़ी प्यारी आई थी, ये बहुत ही आला चीफ सेलेक्टर थे पाकिस्तान की हिस्ट्री में जो खिलाड़ी को पिक करते थे और पाकिस्तान के वर्ल्ड क्लास प्लेयर बन के आते थे हमारे प्रोग्राम में, खुशकस्मत ही। और दूसरा सवाल जिस तरह आप मैच के हवाले से बात कर रहे हैं, क्या देखिए बात क्या होती है, आप किस माइंड सेट से जा रहे हैं, आपका कप्तान का क्या माइंड है और आपकी मैनेजमेंट की क्या माइंड है। बहुत अफसोस से कहना पड़ता है लाइक एंड डिसलाइकिंग का सिलसिला जारी है, क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है मगर क्रिकेट के साथ आप सिलेक्शन फेयर करें, नियत भी आपकी बहुत ज्यादा मायने रखती है। आप मुझे बताइए एज ए क्रिकेटर, एज ए ओपनर मैं बात करूंगा, इमाम उल हक का फकर जब ओपनर बात करते हैं, बॉल अपने पास आने दें, पहले बॉल का वेट तो करें, दायरे का बैटिंग करने जाते हैं। मेरे ख्याल में 18 मैच अगर फकर ने खेल लिए उनकी रन में को कारगर्दी उस तरह की नजर नहीं आ रही, मगर वो आप ज्यादती कर रहे हैं। देखें अब्दुल्ला शफी एक टैलेंटेड प्लेयर है, उसने श्रीलंका के खिलाफ बहुत आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेली है और उसकी टेक्निक बहुत अच्छी है, बॉल का वो वेट करता है और पाकिस्तान जो खेलते हुए आ रहा है उसमें बहुत अहम रोल प्ले किया, मगर ये चीज को अगर आप माइंड सेट से जाए, आपने अब्दुल्ला को खिलाना है कि फकर को खिलाना है, पहले तो ये सोच लें आपके माइंड सेट में क्या है। आपका कप्तान एक चीज जब जहन में डिसाइड कर लेता है उसको बहुत ज्यादा फोकस
क्रॉस करता है, और ये चीज नहीं होना चाहिए। और पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच इतना आसान मैच नहीं होगा। और जहां तक आपने बात की, पिच रीड करना इतना आसान नहीं होता, पिच रीड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस तरह हम बात करते हैं टॉस विन द मैचेस, और टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो गया किसी भी खिलाड़ी के लिए, किसी भी कप्तान के लिए। आपके पास टाइम होता है टॉस जीत के बॉलिंग करें या बैटिंग करें, मगर आप ये देखें बाद में आपको चेस करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है। जो आज के मैच था वो तारीखी मैच था। आज के मैच के हवाले से श्रीलंका की जो परफॉर्मेंस है उसको हम मद्देनजर रखें, उनको जहन में रखें, और जो हमने एशिया कप में श्रीलंका के अगेंस्ट खेला वहाँ पर जो हमने गलतियाँ की, अगर वो दोनों चीज़ों को देखते हुए एक पेशन गोई कर लेते हैं जो हमारा श्रीलंका के साथ अगला मैच हो रहा है, कितने परसेंट चांसेस है पाकिस्तान की जीत के और कितने परसेंट चांसेस है श्रीलंका की जीत? देखिए बात ये होती है, जो श्रीलंका में एशिया कप किया उसकी पिच का कोई मियार नहीं था, गैर मियारी विकटें थी, और ना मानू जेशा ने ना मान के वो टूर्नामेंट करवा दिया। ये प्रॉपर क्रिकेट विकटें हैं, बैटिंग प्रैक्टिस विकटें हैं, इस पे रन नजर आ रहे हैं, और ये आईसीसी का इवेंट है, वर्ल्ड कप इवेंट है। आपको पता है जिस तरह की कारकर्दगी दिखाई जा रही है, तमाम नौ की नौ टीमें तैयारी हाँ इन्हीं पे खेलेंगे। ये विकटे पाकिस्तान की विकटों की अलग नहीं है, इसी तरह की विकटे हैं, और हमारे एशियन विकटों पे खेलने वाले बैट्समैन बहुत अच्छे हैं, जहां घुटने से ऊपर बॉल नहीं आती, जहां आपको ड्राइव बांधने मार सकते हैं। मगर बात क्या होते हैं पॉजिटिव माइंड से जाएं, क्योंकि मुझे सलाउद्दीन साहब के पास जाना है। मैं ये सिर्फ जानना चाह रही हूँ कितने परसेंट चांसेस आप कह रहे हैं पाकिस्तान की जीत के श्रीलंका के लिए, आपकी पेशन गोई? 100% आपके पास चांस है, वो क्रिकेट को एंजॉय करके खेलें, टेंस नहीं हो आप पहला मैच क्रिकेट को एंजॉय करके खेलें तो चांसेस पाकिस्तान एंजॉय करके खेले, ड्राइविंग सीट पर आ गए हैं, और ये अच्छी शेप पे आ गए हैं। आपकी टिप भी आ गई कि हमने एंजॉय करके खेलें। सलाउद्दीन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। सलाउद्दीन साहब, वही वाली बात आ जाती है, अब हम बात करें क्योंकि श्रीलंका के साथ हमारा अगला मैच है, आज हमने श्रीलंका की परफॉर्मेंस देखी, कहाँ कहाँ पर आपको लैप्स नजर आए इस टीम में श्रीलंका में, इस डिपार्टमेंट में वो हमें कमी नजर आई? बॉलिंग की तो हम बात कर ही लेते हैं, खुसूसन क्योंकि इतना बड़ा रन उन्होंने स्कोर कर दिया साउथ अफ्रीका ने, तो आप समझते हैं कि उनकी बॉलिंग और हमारी बॉलिंग बहुत डिफरेंस है और हम उनको टफ टाइम दे सकते हैं श्रीलंका को? देखिए हमारी बॉलिंग की जो स्ट्रेंथ है, अगर पाकिस्तान की तारीख उठा के देखें तो हमेशा हमने फास्ट बॉलर से रूल किया है दुनिया को, चाहे वो इमरान खान हो, वसीम अकरम हो, शुएब अख्तर हो, या दूसरे खिलाड़ी हो, फास्ट बॉलर हमेशा रूल किया पाकिस्तान ने फास्ट, जबकि इंडियंस ने स्पिनर से रूल किया है, चंद्रशेखर, बेदी, परसना, ये लोग होते थे जो, क्योंकि वो अंडर प्रिपेयर विकेट बनाते थे। अंडर प्रिपेयर विकेट ये होती है कि आप रोल कम करते हैं तो गेंद ग्रिप लेना शुरू हो जाता है, जिसमें पहले ही ओवर से आपने देखा होगा वो बेदी से नया गेंद करा देता था नवाब फटौदी। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि क्रिकेट में तीन चीज़ें बड़ी अहम हैं, और उससे अगर ग्रह में बांध लें क्रिकेटर, पहली चीज़ है कॉन्सेंट्रेशन, पूरा फोकस क्रिकेट पे, दूसरी चीज़ है एप्लीकेशन, विकेट पे स्टे करना, वो किसी कोई भी फॉर्मेट हो, और तीसरी चीज है डेडिकेशन, हिम्मत, हौसला। ये तीन चीजें बहुत अहम है क्रिकेट में। अब रह गई फॉर्मेट्स की बात, तो टेस्ट क्रिकेट में तो तीन स्ट्रेटेजी होती है, एक में आप हारने लगे तो आप स्ट्रेटेजी बदल गए क्योंकि आपके पास टाइम बहुत होता है, पांच दिन का। बिल्कुल। ओडीआई में दो होती है, उसमें 50 ओवर होते हैं जो कि काफी होते हैं, तो अगर आप चेंज करना चाहे चेंज कर दें, लेकिन 2020 में आपके पास कोई वो नहीं होता है सिवाय बैटिंग ऑर्डर चेंज करने के, क्या आपको तेज खिलाना, आपने शायद आफरीदी को भेज दिया या बैटिंग ऑर्डर चेंज कर दिया, कि उसमें टाइम नहीं होता। अभी मैं आऊंगा, ये जो श्रीलंका की बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है, उनके ठीक ठाक है बॉलिंग, तो आपको देख के खेलना पड़ेगा। ये तीन चीजें हैं, ये बहुत अहम है, आपको विकेट पे स्टे करना पड़ेगा, क्योंकि आपने देखा इस मैच में भी आपके 30 रन पे 3 आउट हो गए थे, जो कि बड़ी अलार्मिंग चीज है, क्योंकि आपके शू के ओपनर और नंबर 3 जो होता है वो बड़ी अहम पोजीशन होती है, जिसमें हमारे ज़हीर अब्बास खेलते थे, ऑस्ट्रेलिया के रिकी पॉन्टिंग खेलते थे, और सबसे बड़े प्लेयर थे वेस्ट इंडीज के विव रिचर्ड, ये तीनों नंबर 3 पे आते थे, वो बड़ी अहम पोजीशन होती है। तो आपको अगर शुरू में अच्छा मिल जाए स्टार्ट, तो फिर पीछे जो आते हैं खिलाड़ी या ड्रेसिंग रूम पे दबाव कम हो जाता है, और वो आके खुल के खेल सकते हैं, मिडिल ऑर्डर वाले खुल के खेले। सलाउद्दीन साहब, एक चीज और आपसे पूछना चाहेंगे, जैसे इंडियन जो विकेट है अभी तक जो पिचेस हैं वो बैटिंग पिचेस, और पाकिस्तान का जो बॉलिंग अटैक हम देखें, और आप कह रहे हैं कि श्रीलंका की बॉलिंग इतनी बुरी नहीं है, पाकिस्तान को क्या हम देखते हैं कि जो फास्ट बॉलर है वो सपोर्ट कर सकते हैं या फिर हमें स्पिन अटैक लेना होगा? देखिए आपने ये सही फरमाया कि वहाँ बैटिंग ट्रैक्स हैं, तो बैटिंग जब ट्रैक हो तो आपको
जो बॉलिंग करनी है वो अकॉर्डिंग टू फील्ड करनी है। ऑफ पे करनी है तो 5 फील्डर आपको ऑफ पे रखने पड़ेंगे, लेकिन फिर लाइन हटे नहीं, ये कप्तान को कहना चाहिए। और बीच में एक बात और अर्ज करता चलूं, जो आपने अभी कहा था, बड़ी अच्छी बात की थी आपने कि कप्तानी अलग चीज है और खेलना अलग है। पाकिस्तान में बहुत बड़े बड़े नाम नहीं लूंगा किसी का, वर्ल्ड क्लास प्लेयर निकले, लेकिन जब उन्हें कप्तानी सौंपी गई तो देवर नील, जैसे बहुत पहले की बात करूं, अब्दुल हफीज कारदार साहब थे, वो ही वॉज एन एवरेज प्लेयर। उनके जमाने में 2 वर्ल्ड क्लास प्लेयर थे, हनीफ मोहम्मद साहब और फजल महमूद, वो उन 2 से मैच जिता देते थे और मैच भी मैटिंग पे होता था। और मैटिंग पे हॉल जैसे फास्ट बॉलर को खेलना मजाक नहीं है। तो क्रिकेट की समझ अलग है और क्रिकेट खेलना अलग है। तो अब यही है कि मेहनत करें, कप्तान को जरा एग्रेसिव का होना चाहिए, शेल में नहीं घुसना चाहिए, बल्कि अटैक, अटैक इज द बेस्ट डिफेंस। यानी आप कह रहे हैं कि अटैकिंग क्रिकेट अब उनको खेलनी पड़ेगी। और सलाहुद्दीन साहब आप साथ ही रहेगा, एजाज वसीम बाकरी बोल न्यूज़ के नुमाइंदे हमें ज्वाइन कर चुके हैं स्पोर्ट्स के हवाले से। एजाज, आज के मैच की अगर हम बात करें, पहले हम उस मैच की बात कर लेते हैं जिस पे आज सबकी नज़रें रहीं, और साउथ अफ्रीका और श्रीलंका के मैच की। अफगानिस्तान और बांग्लादेश का मैच बड़ा कम ड्यूरेशन के, हदफ बड़ा कम था और बड़े आसानी से उन्होंने चेस कर लिया, इसके हवाले से बात करेंगे। लेकिन जो साउथ अफ्रीका और श्रीलंका का मैच था, खुसूसन श्रीलंका के साथ अब हमारा अगला मैच भी होने जा रहा है, तो आज के मैच को देखते हुए आपको मजमूई परफॉर्मेंस के हवाले से अगर हम श्रीलंका की बात करें तो कैसी परफॉर्मेंस आपको दिखी, और अगले मैच के हवाले से अगर हम बात करें तो ये हमारे लिए कितना टफ टाइम दे सकती है श्रीलंका? वनडे वर्ल्ड कप का क्वालिफाइंग राउंड खेल के आई और उसमें लगातार 10 मैच जीतकर श्रीलंका ने फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था और बाद में फाइनल भी जीता और इस वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई भी किया। हालांकि उसी क्वालिफाइंग राउंड में वेस्टइंडीज भी था जो आगे नहीं आ सका। तो उसके बाद फिर श्रीलंका ने पाकिस्तान के साथ एशिया कप में भी खेला, हमने देखा कि 42 ओवर के अंदर जो उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ कामयाबी हासिल की। और एक एक चीज जो कि शायद फैंस बहुत कम जानते हो, श्रीलंका के इस वक्त की टीम के अंदर 4 अहम प्लेयर जो हैं वो इंजर्ड हैं और वो टीम के साथ आज दस्तयाब टीम को नहीं थे। सही। तो श्रीलंका ने जिस तरीके से फाइट की है उनके पहली विकेट गिरने के बाद, और जिसके बाद कुशाल मेंडिस ने जो बैटिंग की और उनके नंबर 11 के भी बल्लेबाज ने आके साउथ अफ्रीकन बॉलर को जो हिटिंग की, उन्होंने एक सेकंड के लिए भी ऐसा फील नहीं होने दिया कि हमारे सामने 425 का टारगेट है और हम इसमें थोड़ा सा घबरा जाएं या इस टारगेट को हम अचीव नहीं कर सकते हैं। उन्होंने ना तो पूरे 50 ओवर खेलने की कोशिश की, ना ही उन्होंने डर के संभल के, जो कि अमूमन अगर कंपेयर पाकिस्तान टीम के साथ करें तो हम बहुत मसाइल का शिकार हो जाते हैं जब हमारी 5 विकेटें गिर जाती हैं। यही तो बात है कि आज गो के आज श्रीलंका हार चुकी है, लेकिन हम उसी के बारे में बार बार बात कर रहे हैं क्योंकि अगला मैच हमारा श्रीलंका के साथ है। और जिस तरीके से आज उन्होंने प्ले किया और जो गेम उन्होंने आज खेली, हमने वो उन्होंने हमें सरप्राइज कर दिया कि भाई इतना लंबा चौड़ा आपके सामने स्कोर हो, हदफ हो और आप उसको चेस करने निकल जाएं और काफी हद तक आप आगे पहुंच जाएं, तो ये हमारे लिए थोड़ी सी अलार्मिंग सिचुएशन बन गई है। आमना, पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ एक एडवांटेज होगा वो कि पाकिस्तान हैदराबाद में पिछले 10 दिन से मौजूद है, 2 वार्म अप मैच पाकिस्तान हैदराबाद को पाकिस्तान बेहतर समझ सकता है। यस, पाकिस्तान वहां पे इस हद तक तो खैर श्रीलंका हम पे हावी नहीं होगा, हमारी बॉलिंग भी ठीक है, साउथ अफ्रीका की बॉलिंग भी दुनिया की बेहतरीन बॉलिंग है, पाकिस्तान की बॉलिंग भी अच्छी है, लेकिन वो मुकाबला जो है वो पाकिस्तानी टीम के लिए आज की श्रीलंका की परफॉर्मेंस देख के और कल नेदरलैंड के खिलाफ अपनी बैटिंग देख के ये पाकिस्तान के लिए मुकाबला आसान नहीं है, पाकिस्तान को बहुत मेहनत। अच्छा, एक और चीज इजाज़ जो मेरे जहन में आ रही है, शायद आप उससे एग्री करेंगे नहीं, अब श्रीलंका जो हमारा मैच होने जा रहा है तो अगर पाकिस्तान मैच जीतना चाहता है हमारा, तो मेरा ख्याल है कि जो साउथ अफ्रीकन बैटिंग है ना हमें बार बार रिवर्स करके देखनी चाहिए, क्या ख्याल है इजाज़? देखिए, मैं आपको अगर मैं आपको अपने दिल की बात बताऊं तो मैंने ये एक पिक्चर अपने माइंड में पेंट की हुई है कि पाकिस्तान अपने पहले 3 मैच जीतेगा, नेदरलैंड के खिलाफ जीत गए, श्रीलंका के खिलाफ भी हम जीतेंगे और इंडिया के खिलाफ भी हम जीतेंगे अगले मैचेस। अच्छा, इंडिया के खिलाफ बाबर आजम, ये न्यूज़ है हमारे न्यूज़ है। जैसे कैसे पता है आपको कि हम पहले 3 मैचेस जीतेंगे, और खासकर इंडिया वाला मैच बड़ा टफ होगा ये, क्योंकि उनके होम ग्राउंड पे भी है और बहुत ज्यादा वाकिफ है और क्राउड की सपोर्ट भी उनको बहुत ज्यादा होगी। एजाज, देखिए 1992 से लेकर अब तक जब भी इंडिया पाकिस्तान वनडे वर्ल्ड कप में आते हैं पाकिस्तान हार जाता है और हमेशा इंडियंस ऐड बनाते हैं मौके का। तो इस बार शायद ये तारीख अब जो है ये तब्दील होने जा रही है
कि इंडियन सरजमीन पे ही जाके 1,33,000 सिर्फ इंडियंस ही होंगे, वहां पर पाकिस्तान ये तारीख बदल देगा जो कि हम वनडे में उनसे कभी नहीं जीते हैं वर्ल्ड कप में। इंशाल्लाह इंशाल्लाह, व्हाई नॉट। ठीक है, इजाज़ साथ ही रहिए, साजिद खान साहब के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि साजिद साहब, एक जो अभी हमारा अगला मैच होने जा रहा है उसके लिए ऑब्वियसली आपको एक सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अब चेयरमैन, साबिक चेयरमैन रहे हैं एहसान मानी साहब, उन्होंने यही बात की है कि भाई आपने हमें वीज़े नहीं दिए अभी तक, ना ही हमारे सहाफ़ियों को और ना ही हमारे क्रिकेट फैंस को, तो अगर ऐसी बात है तो हम इंडिया के मैच से पहले पहले अपनी टीम को वापस बुला लें, ये मुतालबा उन्होंने किया है। आप क्या सारी सिचुएशन को देखते हुए आप समझते हैं कि मुतालबा ठीक है, उनका स्टैंड लेना बनता है पाकिस्तान का यहाँ पर? क्रिकेट का तो मेरिट का कत्ल हो चुका है और जो पाकिस्तान क्रिकेट टीम वर्ल्ड कप खेली वापस तो हम नहीं बुला सकते, ये हम जरूर कह सकते हैं, आईसीसी को लिख सकते हैं। एहसान मानी पीसीबी के साबिक चेयरमैन गुजरे हैं और आईसीसी के सदर भी गुजरे हैं, बड़ा नाम है, मगर उनकी बात को अब कोई ऐसा फायदा नहीं है क्योंकि हमारी टीम वहाँ पर मौजूद है। हम ये जरूर आईसीसी से हम कह सकते हैं, हमारे जो जर्नलिस्ट जाना चाहते हैं, हमारे आवाम जाना चाहती है, इनको वीजे फौरी तौर पर 14 तारीख से पहले वाले मैच दे देना चाहिए। और फर्स्ट मेरे जराए अपने बताते बहुत ज्यादती है, बहुत बड़ा जुल्म है क्रिकेट। साजिद साहब, आप क्या समझते हैं कि आईसीसी अभी तक अपना रोल प्ले क्यों नहीं कर पाया, या आईसीसी अभी तक इतना इन्फ्लुएंशियल इफेक्टिव नजर क्यों नहीं आ रहा आईसीसी का किरदार हमें इस मामले में? देखिए, आईसीसी को पहले तो मुझे बताइए चला कौन रहा है, तारीख उठा के देख ले आईसीसी को चला कौन रहा, 95 मार्केटिंग उनकी है, 95% लोग मार्केटिंग को चला रहे हैं, आईसीसी को चला रहे हैं, पूरे जिसको चाहते वो चला रहे हैं, कर रहे हैं। जिस तरह आप बात सुने 2011 में जो वर्ल्ड कप हुआ था ना, बड़े माजरत से कहना पड़ेगा 2023 में बहुत उस तरह की उम्मीद नहीं थी जिस तरह हम समझ रहे थे एक बेहतरीन वर्ल्ड कप होगा, बेहतरीन ऑर्गेनाइज होगा। ठीक है, टीमें तो बहुत पहुंच गई हैं, टीमों की कारकर्दगी है, मगर मेहमान नवाजी जिस तरह हमारे मुल्क के जर्नलिस्ट को साथ नाइंसाफी हो रही है, हमारे अवाम के साथ नाइंसाफी हो रही, ज्यादती है। जर्नलिस्ट जो जाते हैं टीम को सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट को सपोर्ट करते हैं, क्रिकेट की कवरेज करते हैं और कोई ऐसी चीज नहीं करते, कोई ऐसी एक्टिविटी होती, मगर दोहरी पॉलिसी है, दोहरी पॉलिसी को नहीं होना चाहिए। क्रिकेट एक सियासत से अलग होना चाहिए, क्रिकेट एक जेंटलमैन खेल है, जैसा हमेशा बात करते हैं। जिस तरह हमारी टीम में जाके वहां पर हैदराबाद के आवाम का दिल जीता है और पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने जाकर, मेरे पास तो जज्बात नहीं है, जिस तरह पाकिस्तान का तराना बजे गया, जिस तरह हमारे पूरे लोग जिस तरह ऊपर देख रहे थे और पाकिस्तान का तराना बज रहा हो, फिर आप मुझे बताइए 14 तारीख को ये बरार होगा और जिस तरह पाकिस्तान का तराना होगा और पाकिस्तान 1,35,000 में इंशाअल्लाह ताला पूरी 24 करोड़ की आवाम की दुआ है पाकिस्तान मैच जीतेगा, मगर मैच जीतने के लिए आपको तैयारी करना पड़ेगी। श्रीलंका के खिलाफ एक बेहतरीन तैयारी से जाएं, 5 बॉलर 6 बैट्समैन से जाइए, मगर मैं ये आपको क्लियर कट कह दूं, देखो एज ए क्रिकेटर, एज ए कोच बात कर रहा हूं, एज ए आपको अब्दुल्ला शफी को खिलाना है, आप फकर को खिलाएंगे तो ज़हनी तौर पर फकर अंडर प्रेशर है, अगर आप फकर को खिला रहे तो फकर को कॉन्फिडेंस दे तो सही, जैसे आप फकर को कॉन्फिडेंस नहीं दे रहे इमाम को, तीन आप मुझे बताइए बाबर की, फकर की, इमाम, तीनों आउट हो जाते हैं अगर 120 रन की पार्टनरशिप ना लगे रिजवान की और अब्दुल, उसकी बहुत ही आला बैटिंग की दोनों ने, उसके बाद आप शादाब की और नवाज की पार्टी से तो आप तो 200 रन पे आउट हो जाते हैं, तो कहीं ना कहीं गलतियां मैच जीतने के बाद आपकी गलतियां छूट जाती हैं, उस पर आपको काम करना चाहिए। आपके डायरेक्टर साहब जो हैं वो आप आगे टीम मीटिंग ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद आप ये बताते हैं ये चीजें जो आप टेलीकास्ट जो है वीडियो वायरल हो जाती है, हेड कोच कहाँ चले गए, बॉलिंग कोच कहाँ चले गए, कोचेस का क्या किरदार है, टीम कमेटी का क्या किरदार है, कैप्टन का क्या किरदार है, साथ ही रहेगा अहमद कुरैशी हमारे साथ है, अहमद से बात करते हैं। अहमद साजिद साहब, जिस तरह से कह रहे हैं कि प्लानिंग होती है हर चीज की और जिस तरह से भी क्रिकेट हम देख रहे हैं, आज का जो स्कोर है साउथ अफ्रीका का, और अभी हम जो बात कर रहे थे गो के मजाक में कर रहे थे, लेकिन अगर इसको आमना अमलन भी इस पे इम्प्लीमेंट किया जाए तो उसमें कोई बुराई नहीं है कि जिस तरह से श्रीलंका और साउथ अफ्रीका का मैच हुआ है और अगला मैच पाकिस्तान का श्रीलंका के साथ है अहमद, तो हमें ये देखना चाहिए कि श्रीलंका ने किस तरह से फाइट की है इस मैच के लिए और हमें फिर अपनी प्लानिंग देखनी चाहिए कि हम किस तरह से श्रीलंका को फेस करेंगे और हम कैसे फिर उनके साथ फाइट कर सकते हैं। देखें मोहतरमा, आप कह रही थी कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मैच जीतने के लिए साउथ अफ्रीका की इनिंग्स को रिवर्स करके देखना चाहिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान श्रीलंका जैसी भी अगर बैटिंग कर ले तो मैच इजीली जीत जाएगा और सिर्फ एक मैच नहीं आगे वर्ल्ड कप के सारे मैचेस जीत जाएगा। और इंटेंट की बात है, इंटेंट जो है पिछले काफ़ी अर्से से लैक ऑफ कॉन्फिडेंस की वजह से डाउन रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम का,
और आई होप जिस तरह एजाज ने बात की है, मेरी भी सिक्स सेंस कह रही है कि पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ भी मैच जीत जाएगा, लेकिन कितने कॉन्फिडेंस से एजाज ने ये बात की है, तो मैं एजाज को प्रोग्राम के बाद व्हाट्सएप करूंगा कि कौन सा जादू है इनके पास, शायद मैं भी थोड़ा बहुत सीख लूँ। लेकिन ये है कि ऑब्वियसली जबरदस्त मैच हुआ है, पाकिस्तान के लिए खतरे की घंटी है। टू बी ऑनेस्ट, अगर श्रीलंका की और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की करंट फॉर्म और करंट परफॉर्मेंसेस को देखें तो मेरे ख्याल में श्रीलंका 60 पाकिस्तान 40 होगा। अच्छा सही। अच्छा मैं चाहूँगी दूसरी बात पे, क्योंकि हम टॉपिक से हट गए थोड़ा सा, जो ये एक चीज़ थी उसको भी हम चाह रहे हैं कि थोड़ा हाईलाइट करें। ऑब्वियसली हमारे जिस तरह से एजाज साहब भी हैं, वो भी वेट कर रहे हैं कि वीज़ा स्टेटस क्या सामने आएगा, वेटिंग लिस्ट में अभी भी मौजूद हैं। तो ये जो एहसान मानी साहब ने, ऑब्वियसली वो चेयरमैन PCB रहे हुए हैं, उन्होंने जो ये मुतालबा किया, आप समझते हैं कि एक प्रेशर तो क्रिएट करना चाहिए कि अगर आप नहीं बताते, जो कि एक राइट है क्रिकेट लवर्स का और किसी भी नेशन का, कि वो जाकर इस इवेंट में जाके इंजॉय कर सकें, देख सकें इसको, तो अगर आप ऐसा नहीं करते तो आप हम पाकिस्तानी टीम को वापस बुलवा सकते हैं इंडिया के मैच से, फिर आपका भी इवेंट खराब हो सकता है इससे। बिल्कुल ऐसा ही है, एजाज से मेरी पहले भी बात हुई है इस बारे में, मेरा अपना भी वीज़ा अभी लटका हुआ है, हालांकि उनके चैनल के लिए मैंने कुछ प्रोग्राम्स करने हैं, इस वजह से वो मुझे बुला रहे थे, लेकिन मुझे यही बताया गया है कि जो ऑनलाइन प्रोसीजर है वो आप अपनी तरफ से ओके कर दें और उसके बाद जब कहा जाएगा तो तब आप हमें आके पासपोर्ट दें। अभी तक उनको इंस्ट्रक्शंस यही हैं कि किसी से भी पासपोर्ट वगैरह ना लें। देखें, मेरे ख्याल में ये नाइंसाफ़ी है और ज़्यादती है उन लोगों के साथ कि जिनको जिनका कोई किसी भी किस्म की पॉलिटिकल एक्टिविटी से कोई लेना देना नहीं है, वो सिर्फ मैच को कवर करना करने के लिए जाना चाह रहे हैं या वहाँ पे इसलिए जाना चाह रहे हैं कि एक एक्सपोजर के पॉइंट ऑफ व्यू से या वर्ल्ड कप के लिए जाना चाह रहे हैं, तो ICC को भी इस चीज़ में देखना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं टू बी ऑनेस्ट, हमने अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ किया है, हमें इन चीज़ों को पहले डिसाइड करके फिर वर्ल्ड कप में जाना चाहिए था। एहसान मानी साहब की जो बात है वो अब मेरी समझ से बाहर है कि आपकी टीम वार्म अप भी खेल चुकी है, अपना पहला मैच भी खेल चुकी है और अब पाकिस्तान क्रिकेट टीम को बायकॉट कर देना चाहिए। अगर बायकॉट करना ही था तो पाकिस्तान के पास सॉलिड रीजन थी, वो ये थी कि सिक्योरिटी के कंसर्न, क्योंकि इंडियन सिक्योरिटी एजेंसीज बार बार खुद ये कह रही थी कि हम आपके सामने ही है, बल्कि न्यूजीलैंड वाले मैच में तो क्राउड भी अलाउ नहीं था कि हम पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सिक्योरिटी नहीं दे सकते, तो डिफरेंट चीज़ें थी, फिर स्केड्यूल भी नहीं वजूहात की वजह से चेंज हुआ, तो अगर नहीं जाना चाहिए था तो तब नहीं जाते, और अगर गए आपको लगता है कि ये इंडिया और पाकिस्तान का जो मैच है उससे पहले आपको कॉल आ जाएगी कि आप लोग अब आ सकते हैं, तशरीफ ला सकते हैं, मैच देख सकते हैं, रिपोर्टिंग कर सकते हैं? हाँ जी, आज की लेटेस्ट अपडेट ये है कि आज सुबह सैटरडे को मुझे सबसे पहले ICC के जो डायरेक्टर मीडिया हैं राज राव, जिनका ताल्लुक इंडिया से है, उन्होंने पहले मुझे व्हाट्सएप मैसेज किया कि एजाज हमने BCCI और जो भारतीय होम अफेयर्स है उनके साथ ये मामला उठाया है और ये मंडे से शॉर्ट आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, और उसके कुछ देर बाद क्योंकि हम फोन पे पिछले कई दिनों से कर रहे हैं और फिर ईमेल भी किए थे, तो बाद में ICC कम्युनिकेशन की जो हेड है मैरी गोल्डबेयर, उनका मुझे व्हाट्सएप आया, उन्होंने भी यही कहा है कि हमने भारतीय हुकूमत के ऊपर जोर दिया हुआ है, तो ये जो मंडे से फ्रेश वीक स्टार्ट हो रहा है टिल फ्राइडे ये मसला हल हो जाएगा, क्योंकि सैटरडे को इंडिया पाकिस्तान का मैच है। अच्छा, ये स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए होगा या जो क्रिकेट लवर्स हैं, जो क्रिकेट देखने के लिए लोग आवाम जाना चाहते हैं, उनके भी वीजे आने का कोई चांस है? देखिए, जो क्रिकेट फैंस हैं उनके लिए तो फॉरेन मिनिस्ट्री जो पाकिस्तान की है वो उस मसले को उठा रही है। अच्छा। हमारे साथ सिर्फ मीडिया के वीजों की आज ICC के दो जिम्मेदारान ने जो डायरेक्टली मुझे आज बताया है, उन्होंने सिर्फ मीडिया के वीजों का बताया है कि मंडे से ये प्रोसेस स्टार्ट कर दिया जाएगा। चलें, ये तो अच्छी बात है कि मंडे से अल्लाह करे ऐसा हो, क्योंकि ऑब्वियसली हमारे लिए एक जो सबसे क्रूशल मैच है वो इंडिया और पाकिस्तान का मैच होगा, जिसकी हमने कोशिश ये की जाएगी कि भाई जाके प्रॉपर उनको सपोर्ट की जा सके, फुली सपोर्ट हो पाको, और फिर ही पाकिस्तानी टीम जो है ऑब्वियसली किसी भी टीम का मोराल तब हाई होता है जब उनकी पब्लिक मॉरल सपोर्ट होती है, एक एप्रिसिएशन होती है। अच्छा, एक और चीज़ आमना, जो हमने देखी पाकिस्तान और नीदरलैंड का जो मैच हुआ उसमें मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड में नमाज अदा की और इस चीज को इंडियन मीडिया ने बहुत ज्यादा नेगेटिवली हाईलाइट किया है। सही, तो इस हवाले से हम देख लेते हैं एक रिपोर्ट
उसके हवाले से बात करेंगे। सलाहुद्दीन साहब, हम तो देखते आए हैं कि दुनिया भर के क्रिकेट स्टेडियम में, दुनिया भर में हर जगह हर कोने में ऐसा कोई कोना नहीं होगा मुझे नहीं लगता जहाँ पे अजान की आवाज़ ना सुनाई देती हो या जहाँ पर नमाज ना पढ़ी जाती हो। ऐसा क्या हो गया कि भारतीय मीडिया ने इसको इतना बड़ा इशू बना दिया? भारतीय मीडिया हमने देखा है कि इंतहा पसंदी को हवा देने में बहुत आगे रहता है। ये आप सही फरमा रही हैं, इसलिए कि अजान तो दुनिया में अभी भी अजानें हो रही होंगी, मुख्तलिफ जगह आप देख लें कहाँ नहीं होती, अजान सब जगह होती है। सर रिजवान नमाज पढ़े थे स्टेडियम में, उस पे इशू बन गया, पूरा मीडिया उछल गया उस पे। तो उन्होंने ईशा की नमाज पढ़ी और ईशा में इतना टाइम होता है कि वो घर भी जाके पढ़ सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। लेकिन इसको इशू नहीं बनाना चाहिए, वो करते ही है कि अपना मैच खत्म हो जाने के बाद ईशा में बहुत टाइम होता है, आप मुझसे ज्यादा जानते, तो उसमें जाके घर पे पढ़ लेते बजाय ग्राउंड पे पढ़ने के। अच्छा, साजिद साहब का टेक ले लेते हैं इस पर, साजिद साहब का टेक ले लेते हैं इस पर। साजिद साहब, जैसे कि वो कह रहे हैं कि घर जाके भी नमाज पढ़ी जा सकती थी, ईशा के लिए बहुत टाइम होता है, सलाहुद्दीन साहब फरमा रहे हैं, यकीनन उनकी राय अपनी जगह पर है, लेकिन ये कोई ऐसा संगीन मामला नहीं है। खेल भारत अपने गिरबान में नहीं झांक रहा आमना, कि जिस तरह से वर्ल्ड कप की सेरेमनी नहीं होने दी उन्होंने, और तमाशाइयों को या दूसरे मुल्कों से जो लोग आके मैच देखना चाह रहे हैं उन्हें वीजे जारी नहीं कर रहे। खेल तो सिफारतकारी का जरिया होता है, और ऑन दी अदर हैंड इतना नेगेटिव इम्पैक्ट कि नमाज को जिहाद के साथ जोड़ें। देखिए, इसके आप ये पहले तो ये बता दें, ये रिजवान तो हर जहां भी ग्राउंड में होते हैं नमाज अदा करते हैं, ये तो आज से नहीं कर रहे जब से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, और वो हाँ जहां भी ग्राउंड में होते हैं और टाइम मिलता है वो नमाज अदा कर देते हैं। और नमाज करना, क्यों, ये जो हम जो उसको नेगेटिव लोग ले रहे हैं उनको मुँह की खानी पड़ जाएगी। जिस हम तो भी के मुसलमान अल्लाह ताला का जितना भी शुक्र अदा करें, दुनिया में 24 घंटे भी कम है, 24 घंटे में जहाँ जहाँ दुनिया में अजान होती है नमाज पढ़ी जाती है, और यही अमन पीसफुल अमन हम हमारा लोग हमारे जो खिलाड़ी हैं और सफीर जो हैं वहाँ पहुँच के एक अच्छी चीज़ बता रहे हैं। और ये चीज़ भी बताना ज़रूरी है, ये इससे अच्छी चीज़ सीखनी चाहिए। जो लोग नेगेटिव सोच रहे हैं उनकी नेगेटिव सोच है, छोटी सोच के लोग छोटी सोच ही सोचेंगे, कोई ना कोई बहाना सोचते हैं, कोई ना कोई ऐसी चीज़ सीखते हैं। हमें आगे बढ़ना है, आगे जाना है, वो अच्छी काम कर रहे हैं, इबादत कर रहे हैं, हमें उसको सराहना चाहिए। लेकिन हमें आगे बढ़ी जाना है, इंडियन मीडिया तो आगे बढ़ने का नाम ही नहीं लेता, कहीं पर एक सुई तक जाए बस फिर उसके बाद जो हम देखते हैं कि हर जगह कैसे कैसे नुक्ते निकालते हैं वो, पता नहीं कहां से उनके दिमाग में ऐसी बातें आती हैं, कहां से सीखते हैं वो इतनी नेगेटिव प्रोपेगेशन। अहमद के कमेंट सामने ले लेते हैं। अहमद, आप क्या समझते हैं कि क्या रिजवान को घर जाने का इंतजार करना चाहिए था नमाज पढ़ने के लिए, या अगर स्टेडियम में पढ़ ली तो मेरे ख्याल में कोई बुराई नहीं है, उनकी मर्जी है, मजहबी आजादी होती है जैसे दुनिया भर में लोगों को इजहार राय की आजादी होती है। देखिए, पहले तो ये हमें नहीं पता कि अब वो नमाज कौन सी पढ़ रहे थे, अगर तो मगरिब की थी तो फिर तो जाहिर बात है उसमें शॉर्ट टाइम होता है, और अगर ईशा की थी तो भी पढ़ ली है तो इसमें कि कौन सी इतनी बड़ी बात है। इंडियन मीडिया को मेरे ख्याल में बात का बतंगड़ बनाने का शौक है, उनके पास और कोई काम नहीं होता करने के लिए। जिस तरह वो ड्रामों में जो है ना, वो अब उनके न्यूज़ में और इन चीज़ों में भी स्टार प्लस आ गया है, तो मिर्च मसाला जो है ना डालने के लिए कुछ भी कह देते हैं। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई बहुत बड़ी बात है, अगर उनका कोई आके अपनी इबादत करेगा, कोई मतलब पूजा वगैरह करेगा, तो वहाँ मेरा नहीं ख्याल कि हमें बीइंग अ मुस्लिम कोई एतराज़ होगा, उनको भी नहीं होना चाहिए। बस वो बाल की खाल निकालना उन लोगों की आदत होती है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि उनकी इस तरह की जो चाइल्डिश हरकतें हैं या रिपोर्टिंग। बिल्कुल सही बात कर रहे हैं आप, ये बहुत ही एक अफसोसनाक हमारे सामने इंडियन मीडिया का रोल सामने आया, और वो बार बार आता रहता है, ये आता रहेगा। हम अपने तमाम पैनलिस्ट का शुक्रिया, हमारे साथ आज भी मौजूद थे, और इंशाल्लाह कल जब ट्रांसमिशन में हाजिर होंगे तो फिर कल के मैच के हवाले से तबसरे और तज्जिये लेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।